हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस जगह एक अच्छा खासा जैकपॉट हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट आपका लगातार रेंज के अंदर है, आज भी बैंक निफ्टी हमारी उसी रेंज के अंदर फंसी हुई रही, जिसकी हम बात ऑलरेडी 2 दिन से कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर एक जबरदस्त अपसाइड का जो सेटअप बना हुआ है, उसे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। एक हमारा लेवल भी है और एक परफेक्ट रेंज भी है। रेंज कौन सी है, बात करेंगे 15 मिनट के ऊपर। कल हम 15 मिनट के ऊपर इस रेंज के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर मार्केट के अंदर ये रेंज ब्रेक होती है, और 3 दिन की रेंज थी, अगर मार्केट के अंदर ये रेंज ब्रेक होती है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर इसको हम वन डे के ऊपर देखें, और आज मार्केट ने जिस तरीके की कैंडल बनाई है वन डे के ऊपर, तो बड़ी ही देखने लायक कैंडल है। कैंडल हमारी रेंज के अंदर ही क्लोज हुई है, डाउन टू अप। ठीक है, बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल सकता है, रेंज का किस तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। कल हम बात कर रहे थे कि एक जबरदस्त सेटअप बैंक निफ्टी के अंदर वर्क करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी अपसाइड या तो इस रेंज को ब्रेक करे या डाउन साइड की तरफ इस रेंज को ब्रेक करे। कंडीशन एक थी कि मार्केट इसके अंदर ओपन हो, उसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट आज मार्केट हुआ क्या, जो हमारी कंडीशन थी, मार्केट ऑलरेडी उसके नीचे ओपन हुआ 47,350। ठीक है, उसके बाद में भी एक जबरदस्त कैंडल हमें देखने को मिली रेड कलर की। उसके बाद में मैंने मार्केट के अंदर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई। आप लोगों के कई सारे सवाल थे कि सर, मार्केट ने हमारे लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो आपने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई, आपने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई, जबकि मैंने कॉल ले रखी थी और 47,200 की कॉल थी, 201 201 के आसपास बाइंग थी मेरी, और उससे मैंने सेल किया था 300 अबाउ। ठीक है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी हैवी क्वांटिटी मैंने उठा रखी थी, काफी हैवी क्वांटिटी मैंने उठा रखी थी। कारण क्या है, कारण ये था कि एक अच्छा खासा सेटअप जिसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आप ऑलरेडी उस चीज के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस तरीके से उसके ऊपर आप काम करते हो। इसके अंदर एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला, काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ऐसा क्या था, आप सबके क्वेश्चन है कि सर आपने इस जगह कॉल की पोजीशन कैसे ली। सिंपल सी चीज है कि मार्केट रेंज में ओपन नहीं होकर के मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब गौर से देखने वाली चीज है कि फर्स्ट कैंडल के बाद में किसी भी प्रकार की सेकंड कैंडल इसको फर्स्ट वाली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही थी। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फर्स्ट वाली कैंडल किसी भी तरीके से सेकंड कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रही थी, केवल एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। ठीक, और उसके बाद में मार्केट लगातार यहां से सीधा अप ट्रेंड की तरफ गया, सीधा अप ट्रेंड की तरफ गया, और मार्केट उसी रेंज के आसपास जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग की, कंसोलिडेट करके, ध्यान से सुनना, कंसोलिडेट करके उसी रेंज के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की। ठीक है, और आपको ये मूवमेंट मैंने पब्लिकली मैंने ये मूवमेंट आप लोगों को बताई थी कि एक जबरदस्त मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकती है, जिसके ऊपर आपने काफी अच्छा काम भी किया था। बैंक निफ्टी रेडी फॉर सम फास्ट मूव, कीप आईज ऑन बैंक निफ्टी चार्ट, कीप आईज 47,580 करंट मार्केट, जिस टाइम पर 47,500 के आसपास आपका मार्केट था। और कंसोलिडेट में आपको क्यों बोल रहा हूं, कंसोलिडेट कहाँ हो रहा था, मार्केट आपका इस जगह कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आपको ये लगता है कि ये कैंडल छोटी थी, जी नहीं, इस कैंडल के अंदर तो फंड 2x 3x देखने को मिला था, ये कैंडल छोटी नहीं थी। मार्केट कहीं देर तक इस रेंज के अंदर वक्त बिताता है, ये टाइम था आपके 12 बजे के आसपास का, और मैंने कहा था कि यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। एक कैंडल बनती है 47,500 से, गौर से देखना इस कैंडल का लो,
देख रहे हो 47,500 से सीधा मार्केट अपसाइड की तरफ, आपका डायरेक्ट 47,632। उसके बाद में मार्केट ने ये भी हाई बनाया था और एक ये भी हाई बनाया था 47,680 के करीब का। तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली और मार्केट वापस जा करके इसी रेंज के अंदर अटक गया। तो अब बात कर लेते हैं कल की। देखिए जो आज की बात की है ना, उसके अंदर आपको दो चीजें समझ में आई होगी, उसके अंदर आपको दो चीजें समझ में आई होगी कि मार्केट के अंदर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कितनी ही बड़ी बन जाए, कितना ही कुछ हो जाए, बट उस कैंडल का ब्रेकआउट अगर नहीं हो रहा, जैसे कि ये कैंडल बनी, इसके बाद में मार्केट आपका रेंज के अंदर फंस गया। ये आपका 1 तारीख का, 1 अप्रैल का मार्केट था, रेंज में फंस गया, ठीक है। और इसके बाद में कई लोग ट्रैप हुए होंगे, ये विग बनाया था मार्केट पर, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो कई लोग इस जगह ट्रैप हो सकते हैं, ठीक। और 2 तारीख के मार्केट के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और मैं आपसे कह भी रहा था कि पिछले दिन का मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, फर्स्ट सपोर्ट इसको मार्केट ने आपको इस दिन रेस्पेक्ट किया, सेकंड सपोर्ट था आपका ये वाला जिसे आज मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, जिसे आज मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिली, 47,280 250 से मार्केट ज्यादा नहीं चला, 47,650 के आसपास, ठीक। अब बात कर लेते हैं कल की, तो कल के लेवल ही हमारे वही रहने वाले हैं, गौर से सुनिए। 47,000 जो अब लेवल है, जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे 47,755 की, 55-50 के लेवल की बात कर रहे थे, बट अब लेवल चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब मामले थोड़े से पेचीदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मार्केट के लेवल समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं दिन के अंदर बात कर रहा था कि आज हम FIDI के ऊपर बात करें। मैं 2 दिन से आपको एक चीज बताते हुए जा रहा हूं, गौर से देखना इस चीज को। 1 अप्रैल को मैंने आपको FIDI के डेटा मैंने आपको पब्लिक ग्रुप पे सेंड किया। इस दिन FI ने क्या किया, पहले तो FI और DI का मतलब समझ लीजिए। FI का मतलब होता है फॉरेनर इन्वेस्टर, जो विदेश से हमारे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर या कुछ भी करते हैं, ठीक। और DI का मतलब है डोमेस्टिक, जो हमारे यहाँ के घरेलू इन्वेस्टर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे घरेलू कौन है, तो हमारे घरेलू है म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स, SBI म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स, कई सारे म्यूचुअल फंड्स है, इंस्टीट्यूट वगैरह है जो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक। और ये पैसा किस तरीके से लगाते हैं, ये हमारी तरह नहीं लगाते कि 2 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, ये पैसा लगाते हैं करोड़ों रुपए में। और करोड़ों कितने, इनके जो करोड़ होते हैं वो 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं होते हैं, इनके जो करोड़ होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, वो 522 करोड़ का माल बेचा, 1,208 करोड़ का माल बेचा। और उस दिन मैंने आपसे एक चीज कही थी कि मेरी मन की मनगढ़ंत कहानी सुनो, DI वाले परेशान है बेचारे, DI कौन है, हमारे इन्वेस्टर, ठीक है, प्रेशर में है। अब प्रेशर में क्यों है आगे सुनो, जब 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 इलेक्शन जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए नीचे नहीं आना चाहिए, पर अब विदेशी FI तो विदेशी है, किसके रोकने से रुके हैं। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से ये सुनो कि जो वो कहते हैं ना, घर घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम ये हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर है कि मार्केट को नीचे नहीं आने देना है, नीचे नहीं आने देना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट से आपका ऑल मतलब एक तरीके से मतलब कि हर बिजनेस की, हर कंपनी की, हर मतलब कि हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है ये मार्केट, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। मार्केट नीचे आएगा तो न्यूज ऐसी आएगी और इफेक्ट पड़ता है जो वर्तमान में सरकार है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मोदी जी है या राहुल गांधी जी, हमें उन चीजों में नहीं जाना है। बट ऐसा हर बार हमें देखने को मिलता है कि जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तब मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से चलता है, उसे इस तरीके से आने नहीं दिया जाता, एक प्रेशर होता है। तो इसी तरीके का प्रेशर हमें आज भी देखने को मिला, इसी तरीके का प्रेशर आज भी हमें देखने को मिला।
आज भी मैंने आपको मॉर्निंग के दौरान एफआई और डीआई का डेटा सेंड किया था, और मैं ये इलेक्शन तक आपको पर डे एफआई और डीआई के डेटा मेरे पास रात को आ जाते हैं। अब आप कहीं कहोगे, मैसेज करोगे कि सर दुनिया के पास सुबह आते हैं, आपके पास रात को आ जाते हैं। रात को नहीं, मेरे पास शाम को 8 बजे एफआई और डीआई के डेटा आ जाते हैं। अब वो किस कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, वो आप मुझ पर छोड़िए। आप केवल फल खाइए, बाकी पेड़ में लगा रहा हूं, ठीक उससे भी पहले आ जाते हैं। ठीक, तो एफआई डीआई का डेटा ये है कि एफआई ने फिर माल बेचा 2 तारीख को, कितने का बेचा, 1622 करोड़ का। ये करोड़ है, 1612 रुपए नहीं है, 1622 करोड़ का सीआर का माल बेचा है। तो डीआई क्या करती है, 1952 करोड़ का खरीद लेती है। मतलब ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। और एक चीज और गौर से सुनना कि जब जब फॉरेनर ने मार्केट से पैसा निकाला है, तब तब मार्केट की दशा खराब हुई है। ये अभी कुछ भी नहीं निकाल रहे, इनका ओल्ड डेटा अगर आप देखोगे तो एक एक दिन के अंदर ये 10-10 हजार करोड़ का माल बेच देते हैं, एक एक दिन के अंदर। एक छोटी सी न्यूज तो आ जाने दीजिए, एक छोटी सी न्यूज। और आपको मार्केट में थोड़ा सा सीरियस रहना है, क्योंकि बहुत जल्द एक धमाका हो सकता है, और वो कैसा होगा आने वाला वक्त बताएगा। एक ऐसा धमाका जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कुछ ऐसा भी हो सकता था, ये मेरे गुप्त सूत्रों के द्वारा है। अब वो, हाँ, जब भी वो न्यूज आएगी उससे 72 घंटे पहले मैं आपको संकेत दे दूंगा कि लाडलो तैयार हो जाओ। ठीक, तो ऐसे कुछ मामले हैं। तो एफआई और डीआई के ऊपर, इनके डेटा के ऊपर आपको नजर रखनी है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्शन का टाइम होता है ये मेजर तौर पर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सुनिए आप बैंक निफ्टी के मामले, 47,812 नया लेवल है अपसाइड की तरफ। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे, एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ नहीं सकती। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा 48,000 की शकल देखेंगे, उसके बाद में 48,155, ठीक अपसाइड की तरफ ये है। ज्यादा वक्त हम निफ्टी को देंगे, ठीक है। और डाउन साइड की बात कर ले तो अगेन हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर वापस मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के ये कंसोलिडेट करता है। लेवल कौन सा है, 47,440, जो पहले 20 था वो अब चेंज हो चुका है। 47,440 का लेवल हमारे लिए डाउन साइड की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 47,312, उसके बाद में 47,260, उसके बाद में 47,160, ये पास पास में है। पर ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान रखना। और इस रेंज के अंदर थोड़ा बच के, ये रेंज देव ने बनाई है, मार्केट तो बना ही रहा है बट हमने इसको कैप्चर किया है, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट चलने वाला है। ये रेंज कब कैसे बनती है, तो इसका वीडियो है। आपका दिल करे सीखने का, मन हो एक फ्री एजुकेशन के तौर पे मार्केट को, आप जाइए यूट्यूब पर। अगर आप वाकई में रियली में सीखना चाहते हो तो आज से 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, हालांकि वो ज्यादा चला नहीं, उस चीज का दुख है, पर आप अगर देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा नहीं लगता है। आप देखोगे तो आपको एक फ्री एजुकेशन देखने को मिलेगी। और इस उस वीडियो के ऊपर देखिए, आज तक मैंने कभी इतना प्रेशर नहीं डाला कि किसी वीडियो को आप देखो देखो देखो। कारण एक ही है, उसको देखने से मुझे कुछ लाभ हो या ना हो, बट एक इतना सा मन के अंदर तसल्ली। और वो तसल्ली इसलिए है क्योंकि उस वीडियो के ऊपर मैंने पर्सनल तौर पर काफी मेहनत की है, मैंने अपने 4 दिन दिए, और इन 4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं मैं हर रोज उस वीडियो के लिए हर रोज 2 हॉर्स अपने खर्च करता था। वीडियो ऐसे नहीं बनते हैं, देखिए वीडियो ऐसे 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का वीडियो आपके सामने आ जाता है तो आप सोचते होंगे यार 30 मिनट का वीडियो बोल ही तो रहा है। जी नहीं, एक्चुअल में उस चीज को प्रेजेंट आपके सामने कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि एक नया ट्रेडर इस चार्ट को समझ सके। ये चार्ट आसान नहीं है,
ये चार्ट आसान नहीं है, जिस तरीके से मैं आपको आसान करके बताता हूं कि लाडलो या तो इसके ऊपर या इसके इसके नीचे तो ही देखेंगे, वरना रेंज में रहने वाला है। तो ये चार्ट आसान नहीं है, अगर आपको लगता है ये आसान है तो लाइव मार्केट के अंदर पसीने निकलते हैं ऊपर और नीचे से, देखा करो। अभी गर्मी का टाइम आ गया ना, तो किसी ट्रेड में फंसे हुए हो, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, और आप ट्रेड में फंस गए हैवी क्वांटिटी में, तो खड़े होकर के देखा करो और पीछे है ना ऐसे हाथ लगाया करो, गीला गीला महसूस होगा। वो क्या है? वो मेहनत है लाड लो, जो निखर रही है, निकल रही है। और गीला गीला क्या होता है? गर्मी के अंदर पसीना, तो वो ऑटोमेटिक आता है। एसी में बैठे बैठे के पसीने आते हैं जी, आते हैं, क्योंकि ये चार्ट इतना आसान नहीं है, इस मार्केट की एजुकेशन इतनी आसान नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि मार्केट के अंदर करोड़ों बनते हैं, तो उसको ये पूछना है कि तूने कितने बनाए पहले, ठीक? क्योंकि ये आसान नहीं है। लगता है आसान, आसान कब लगेगा? जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। आज मार्केट के अंदर केवल एक कैंडल बनी थी रेड कलर की, और यही साली ऐसी की तैसी कर गई होगी कई ट्रेडरों की, क्योंकि उनको लगा होगा कि अब तो जाएगा, पर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। और मार्केट वहीं से अपसाइड की तरफ चले जाता है। तो कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। टाइम देना पड़ेगा आपको, और वो जो मैं पसीना बता रहा हूँ ना आपको, वो महसूस करना पड़ेगा। हंस देखिए, मजाकिया लहजे में जरूर बात करता हूँ, पर बात का मर्म होता है, क्योंकि वो पसीना मैंने खुद ने महसूस कर रखा है। और आपको तो मैं गर्मी का बता रहा हूँ, वो पसीना मैंने भरे पोष के महीने में, और वो पोष का महीना कब होता है? जब दिसंबर होता है। दिसंबर के महीने के अंदर वो पसीना मैंने महसूस कर रखा है। उस दौर से, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, उस दौर से मैं भी गुजर के आया हूं। हाँ, इतना पैसा नहीं था, इतने लाखों रुपए नहीं थे, पर जो भी थे मेहनत के थे, और जब मेहनत का पैसा जाता है तो पसीने तो आते हैं। अब वो पसीना बन के निकले शरीर से या फिर आंख से गिर के निकले, पर निकलता है, रियलिटी ये है। हालांकि मैं काफी मजाक के लहजे में बातें करता हूँ, मजाक के लहजे में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना सिखाता हूँ। अपनी राजस्थानी लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड, चुनिंदा वर्ड आपको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, कि कैसे भी जो भी मेरा वीडियो देखे, कोई भी हो, तो थोड़ा सा समझे इस मार्केट को, किस की मार्केट है क्या। क्योंकि इस ये देव इनविजुअल ट्रेडिंग है, या झूठ नहीं, या सत्य पर बात होती है। झूठ वहां चलते हैं जहां पर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करना हो, उनको बड़ा बड़ा कुछ दिखाना। और वो कब होता है? जब आप सब कुछ तोड़ मरोड़ के, ये देखो इधर से ये मूवमेंट देखो, ये इधर से ये मूवमेंट देखो, ये हमने वहां से 50 पॉइंट कैप्चर करे, यहां से हमने 20 पॉइंट कैप्चर करे, ये देखो 100 पॉइंट कैप्चर करे, वो कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं। वो कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो बात रियलिटी पे आकर रुकती है, बात सच्चाई पर आकर रुकती है। और हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि पानी में अगर लठ मारोगे ना, ये पानी भरा हुआ है, इसमें अगर लठ मारोगे तो 1 मिनट के लिए, एक कुछ सेकंड के लिए हो सकता है ये अलग अलग हो जाए, ये एक कुछ पल के लिए थोड़ा सा बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, पर अंत क्या है? आकर के इधर ही मिलना है वापस। तो बात रियलिटी पे कीजिए, बात सच्चाई पे होनी चाहिए। ताकि देखिए, यूट्यूब पे वीडियो कौन देखता है? यूट्यूब पे वीडियो देखेगा जो नया नया इंसान इस मार्केट में कूदेगा या मार्केट को सीखने की कोशिश करेगा, वो उनको बगला रहा, मतलब ऐसे झूठे सच्चे सेटअप, ऐसे उल जुलूल बताए जाते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। देखिए, बताने वाले का कुछ नुकसान नहीं है। अब देव आपके सामने लेवल निकाल कर चले जाएगा, अब वो सही है गलत है वो आपको कल पता चलेंगे, वो आपको कल पता चलेंगे। लॉस हो गया तो देव की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही कहते हैं, यूट्यूबर तो सारे ही पहले कहेंगे ना, कि आपके लॉस और प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से है। तो अगर आपके कल को ऐसी तैसी भी हो जाए तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर
ये जो दिल है ना अंदर, ये साला गवाही नहीं देता है कि कुछ भी बक के चल जाए। प्रॉपर एनालिसिस होती है मार्केट क्लोज के बाद में कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कि एक अच्छा सेटअप बने, उसके ऊपर अगर कोई पैसा कमा ले तो सबसे खुशी की चीज है कि कोई आज घर जाएगा तो अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेके जाएगा, बस यही है। अब सुनिए, निफ्टी का एक जबरदस्त मामला है, आज भी निफ्टी अपसाइड की तरफ जाती है और इसी लेवल को रेस्पेक्ट करती है, ठीक। और यही लेवल हमारे लिए एक तरीके से दोधारी तलवार बन चुका है, मार्केट इसको ब्रेक कर ही नहीं रहा। ये लेवल था 22,530 का, ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है, मैंने आपको बताया था निफ्टी के अंदर कि जब तक ये वाला लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, ये वाला लेवल, तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती, ठीक। मार्केट लगातार 3 दिन से, ये एक एक दिन की कैंडल है, ये कैंडल हमें अच्छी खासी देखने को मिली। अब 3 दिन से मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है और ये रेंज ही हमारे लिए कल काम आने वाली है। डाउन साइड की तरफ अगर रेंज के बारे में बात की जाए तो बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि कल क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। और जब तक रेंज प्रॉपर ब्रेक नहीं हो जाए, आप लोगों को लगता है यार 22,530 बाद मूवमेंट कैप्चर करेंगे तो हमारे प्रीमियम जो 50 का बीच चल रहा है वो फिर हमें 70-80 का देखने को मिलेगा। अभी ले लेते हैं और अभी लेने के चक्कर में लॉस होते हैं क्योंकि मार्केट बेवकूफ बनाता है, मार्केट बेवकूफ बनाता है, ऐसी कुछ विग्स बना करके आपको बेवकूफ बनाता है। तो एक जबरदस्त जो रेंज है उसे देखिए। और रेंज कौन सी है? रेंज रहने वाली है आपके लिए ये वाली। अगर मार्केट के अंदर ये वाली रेंज अगर ब्रेक होती है तो मार्केट के अंदर डाउन साइड, ठीक है। और मार्केट अगर इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड, इससे पहले कुछ नहीं देखना। रेंज है आपकी 22,534, ठीक है, अपसाइड की तरफ 22,534। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 22,340 जो आज का लो भी है। ये ब्रेक हो, ये ब्रेक हो, उसी के ऊपर और नीचे कुछ करना है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है 22,534 तो इसके बाद में हमें मार्केट के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लाइफ हाई ब्रेक होगा मार्केट का, ध्यान रखना, मार्केट के अंदर ये लाइफ हाई ब्रेक होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें एक जबरदस्त अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है 22,534 से 22,580, उसके बाद में 22,620 यहां तक सोच सकते हैं। और एक अच्छी खासी खासी मूवमेंट 22,650 जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,650, ठीक है। 22,340 की बात करें, 22,340 की बात करें, अब आप कहोगे सर 22,340 और 22,540 ही मान लीजिए 100 पॉइंट का लेवल है, तो जी बिल्कुल 100 पॉइंट का लेवल है। अगर आपको सेफ तरीके से वर्क करना है, देखिए सेफ तरीका क्या होता है, एक सेफ तरीका क्या होता है कि अपने फंड का 5% या 10% अगर मिल जाए तो इसे तो कहते हैं देखिए सेफ तरीके से कमाना, ठीक। और मार्केट करने का मतलब होता है कि अपने फंड का 15% और 20% मार्केट के अंदर रिस्क लेके कमाना, तो इसे कहते हैं मार्केट करना। मार्केट करना, मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूं, आप क्या समझते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में कितना आता है? 5 और 10%। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कछुए की चाल चलते हैं, इससे ऊपर नहीं सोचते। 1 करोड़ लगाएंगे और 1 करोड़ में अगर 5 लाख रुपए बन जाते हैं 1 करोड़ के फंड से, तो वो गंगा ना लेते हैं कि बहुत बन गया, बहुत बन गया, ठीक है। और एक जो मार्केट करना जिसे कहते हैं उसमें आता है 15 और 20% का रेशो, कि हमने 1 लाख लगाया और 1 लाख से हमारे 15 से लेकर के 20,000 रुपए बन गए, ये होता है मार्केट करना जिसके अंदर होता है रिस्क। सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, देव आपको ये नहीं कहेगा कि यहां पर 10,000 लगाओ और 10 के 50 बनाओ, देव ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि देव तो इस थ्योरी पे खुद ही काम नहीं करता। हाँ एक अलग चीज है कि मार्केट हमें मूवमेंट दे दे तो बनते हैं पैसे, मूवमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी पॉइंट अचीव करना, देव जानता है, जाकर के टेलीग्राम पर वीडियो पड़े हैं कई सारे देख लेना, ठीक है।
क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट और बड़े पॉइंट अचीव करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट को अगर 20% अगर लॉस देना जानते हो, तो मार्केट से फिर आप 30% लेना भी जानो। तो मैं मार्केट करता हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं मार्केट के अंदर मार्केट करता हूँ। हाँ, रिस्क रहता है। और अब आता है 50,000 के फंड से 25,000, से 25,000 बनाना, या 50,000 से 40-50,000 बनाना, कि कम से कम 50%। तो इसे कहते हैं गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग के अंदर दो चीज होती है, गैम्बलिंग के अंदर दो चीज होती है। आपने देखा है कभी जिंदगी में, लाइफ के अंदर, की कोई जुआरी, सटोरिया, करोड़पति है क्या? देखिए गैम्बलिंग का एक नियम होता है। अब आप कहोगे सर बनते हैं, हाँ बनते हैं बिल्कुल, 50,000 से 1 लाख भी बनता है, 50,000 से 2 लाख भी बनते हैं, 50,000 से 3 लाख भी बनते हैं। और ये मैंने बना भी रखा है, ये मैंने बना भी रखा है। अब दूसरी बात सुनो, रोज नहीं बनते, रोज नहीं बनते। कब बनते हैं? तो उसी तरीके से है कि जुआरी के पास वैसे पत्ते कब आएंगे, तीन इक्का, तीन बादशाह, तीन बेगम, जो भी, मैं हालांकि मुझे खेलना नहीं आता, ये नाम याद है, यही होता है ना, चिड़ी वगैरह जो भी है। तो वो जुआरी के पास वैसे पत्ते कब आएंगे, वो के कब आएंगे, जब उसका नसीब होगा। आपका मार्केट के अंदर 4 गुना पैसा कब होगा, जब आपका नसीब होगा। तो अब नसीब पे खेलना है, या बिजनेस के हिसाब से खेलना है, या फिर खेलना है एक मार्केट के हिसाब से, तो वो तीन चीजें हैं जो आपके सामने हैं। आप किस तरीके से खेल रहे हो अभी तक, रियलिटी रियलिटी बताना, रियलिटी बताना, आप किस तरीके से खेल रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और आज ये कमेंट सब करेंगे, दिल पे हाथ रख के रियलिटी लिखना। आपको लगता है यार कोई देखेगा तो नाम चेंज कर लेना यूट्यूब पे, कोई नहीं देखेगा ना, मैं किसी का टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। आप लोगों को ही लगता है ये टेलीग्राम पे डाल देगा, नहीं डालूंगा। रियलिटी में एक बार सब कमेंट करना, कमेंट करके ये देखना कि मैं आज तक मार्केट में किस तरीके से खेल रहा था। और एक चीज की और गारंटी देता हूं, 90% की, जो मार्केट के अंदर बिजनेस के हिसाब से खेल रहे थे, और बिजनेस का हिसाब होता है 5 और गलती से 10% मिलना, ये जीत में मिलेंगे। इनके जाके कमेंट देख लेना, ये जीत में मिलेंगे, ठीक। और बहुत कम होंगे ऐसे ऐसे, अगर हमारे पास 200 कमेंट आएंगे, तो उसमें से केवल और केवल 10 कमेंट होंगे ये वाले, जो 5 और 10% के अंदर खेल रहे हैं। मैं कमेंट के लिए क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो इतने दिनों से ऐसे मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आया। और आप अगर वीडियो देख रहे हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और इस तरीके के कमेंट आपको देखने हैं। किसी को कुछ गलत नहीं लिखना है। देखिए अपना अपना पैसा अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, किसी का क्या दिमाग है, किसी का क्या दिमाग है, तो ये लॉस और प्रॉफिट है, तो ये तो चलेंगे, लाइफ टाइम है। क्योंकि हम एक समुन्द्र के अंदर है, इसके अंदर तैरना सीख रहे हैं। या तो देखिए एक ट्रेडर की कहानी सुनाता हूँ, मौत भी इसी के अंदर और जिंदगी भी इसी के अंदर है। जो किनारे लग गया वो जिंदगी की तरफ, और जो डूब गया वो तो है ही मृत्यु की सैया पे। तो लड़ेंगे जब तक है जान, तो इसी के अंदर है और इसी के अंदर रहने वाले हैं, देखते हैं किनारे कब लगेंगे। तो इस तरीके से मार्केट को एक्सप्लेन किया है, सिखाया है। जो भी बकवास वगैरह जो भी लगे आपको, खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देव को। और आपको, अगर आप नए हो, तो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग टेलीग्राम पर हमारा क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप है, आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। केवल और केवल वहीं से जुड़िए। दूसरी बात, कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी शाम के टाइम पे मेरे पास एक मैसेज आता है, सर मेरे 50,000 रुपये कब दोगे, बोलो। मैंने उससे पूछा, मैं भाई साहब किस चीज़ के, बोले आपने कल शाम को कहा था ना कि 50,000 दो, कल के मार्केट क्लोज होने के बाद आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैं 50 तेरे पास आ गए, बोले नहीं आए, वो तो आप कल लगा देना मार्केट में वापस, जो प्रॉफिट हुआ वो सेंड कर दो। अरे बावड़े, हद हो गई। फिर मैंने उससे कहा, मैं किसको सेंड किया आपने। तो इस तरीके के चक्कर में मत पड़िए। पहली बात तो ये सुनिए, जो मेरा, आप सोचोगे कि एटीट्यूड में बोल रहा है, जी नहीं, पहली
शुरू से एक सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी को आगे से मैसेज नहीं किया आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, ये करिए वो करिए, ठीक। और देव कभी किसी को मैसेज नहीं करता, देव कभी किसी को फोन नहीं करता। कहीं लोग मेरे क्या कहे, अब जो मेरा आधार कार्ड था ना उस टाइम पर, जिस टाइम पर बना था, आप सबको पता है कैसी फोटो आती थी उसके अंदर, मतलब सारा आदमी को गधा बना के रख दे। और उस अभी मेरा रियल वाला एक नया आधार कार्ड लॉन्च हुआ है, लोगों से पैसा ऐंठने के लिए लोगों ने आधार कार्ड लॉन्च कर दिया, उसके अंदर ऐसी जबरदस्त फोटो लगाई है भाई साहब, मैं खुद देख के मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, वो इसलिए सेंड करते हैं लोगों को ताकि उनको भरोसा हो जाए कि ये देव है जी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, कभी कभी भी मैंने किसी भी तरीके से पब्लिक नहीं किए हैं, ना मैं किसी को देना चाहता। कोई आपसे अगर इस तरीके के सेंड करके पैसा मांग रहा है, 1 रुपया मत दीजिए। और अगर आप, आपको वाकई में जुड़ना है तो केवल और केवल इसका माध्यम ऐप है, और केवल वहीं से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए ऐप है, ये कोर्स है हमारा, और इसी के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, केवल और केवल इसी के थ्रू, इस लिंक के थ्रू बस, और कोई माध्यम नहीं है किसी भी तरीके का, क्योंकि सारा काम इसी के ऊपर है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना था, कुछ अपनी तारीफ की थी, कुछ आपको सुनाया था, और देखो तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।